दुनिया में ऐसा कुछ नहीं जो आप नहीं कर सकते, दुनिया में ऐसा कुछ नहीं जो आप नहीं बन सकते। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस प्रकार से घर में बैटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं, किस प्रकार से आप घर में बैटिंग प्रैक्टिस करके अपने बैटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। मैं आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं बल्कि 8 ऐसा तरीका बताऊंगा, ना सिर्फ बताऊंगा बल्कि करके भी दिखाऊंगा, जिसकी मदद से आप आसानी से घर में अपना बैटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपने बैटिंग को काफी हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं। तो वीडियो को कर दीजिए अभी से लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियो सबसे पहले आपको मिल पाए। तो अब हम सीधा चलते हैं उन 8 तरीकों की ओर जिसकी मदद से आप अपना बैटिंग प्रैक्टिस करेंगे घर में और अपने बैटिंग को काफी इम्प्रूव करेंगे। दोस्तों, घर में बैटिंग प्रैक्टिस करने के लिए सबसे फेमस और सबसे पहला तरीका जो है वो है हैंगिंग बॉल। हैंगिंग बॉल एक ऐसा प्रैक्टिस है, इसको करने से काफ़ी सारे बेनिफिट्स है और इससे कोई नुकसान नहीं होता है और इसको कोई भी कर सकता है। अगर आप अभी बिगिनर लेवल पे हैं तब भी आप इसे खेल सकते हैं और अगर आप थोड़ा ऊपर की लेवल में है तब भी आप इसे खेल सकते हैं, मतलब हैंगिंग बॉल का प्रैक्टिस आप कर सकते हैं। और बहुत बड़े बड़े प्लेयर भी यंगस्टर्स को सलाह देते हैं कि हैंगिंग बॉल से प्रैक्टिस करें। दोस्तों, हैंगिंग बॉल एक ऐसा प्रैक्टिस है, इसे कभी भी और कहीं भी किया जा सकता है। आपने सुना होगा कि सचिन तेंदुलकर जब सोता था उन्होंने प्रैक्टिस के बाद आके रोज अपने रूम में ही सीलिंग में हैंगिंग बॉल लटका के प्रैक्टिस किया करते थे। तो आपको भी जब भी मौका मिले, आप अपने घर में थोड़ी सी भी जगह है तो हैंगिंग बॉल लटका के जरूर प्रैक्टिस कीजिए, इससे आपका बैटिंग जो है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव होगा। तो हैंगिंग बॉल को आप जरूर से ज़रूर खेलिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके बैटिंग में टाइमिंग इम्प्रूव हो तब आप स्टाम्प से भी हैंगिंग बॉल खेल सकते हैं। स्टाम्प और बैट को अगर आप कंपेयर करोगे तो स्टाम्प के मुकाबले बैट बहुत बड़ा होता है और बैट के मुकाबले स्टाम्प छोटा होता है। अगर आप स्टाम्प से हैंगिंग बॉल को अच्छे से मिडिल करने लगते हो, बॉल को अच्छे से कनेक्ट करने लगते हो, उसके बाद आप डिफरेंस देखोगे। जब आप बैट से खेलोगे तब आप बहुत आसानी से उसको मिडिल कर पाओगे। तो स्टाम्प से आपको स्टार्टिंग में खेलने से आपको दिक्कत होगी, आप जहाँ खेलना चाहते हैं बॉल वहाँ पर जाएगी नहीं, अगर आपका एज लगेगा आप साइड में जाएगी, इसलिए आपको स्टार्टिंग में जो दिक्कत आएगी उसको फेस करते हुए आपको स्टाम्प से भी हैंगिंग बॉल को खेलते जाना है और आपको इसकी आदत पड़ जाएगी। थोड़ी देर बाद आप स्टाम्प से भी हैंगिंग बॉल को मिडिल करने लगोगे, आप बॉल को मिडिल करोगे और आप जहाँ खेलना चाहते हो उसी डायरेक्शन में बॉल को उसी डायरेक्शन में आप फेंस पाओगे। तो स्टाम्प से आप ज़रूर प्रैक्टिस कीजिए और आप जब स्टाम्प से प्रैक्टिस करते हो तब आप जरूर आपका टाइमिंग काफ़ी इम्प्रूव होगा, आप बैट से बहुत अच्छे से मिडिल कर पाओगे बॉल को। आप इसका डिफरेंस देख सकते हैं, आप स्टाम्प से लगभग आप 3-4 मिनट प्रैक्टिस करके उसके बाद आप तुरंत बाद बैट से प्रैक्टिस करके देखिए, आप बहुत अच्छे से मिडिल कर पाओगे और आपको लगेगा कि बॉल को मिडिल करना बहुत आसान है। दोस्तों, दूसरा जो तरीका है इसमें आपको बॉल को बैट के साइड के साथ आपको टॉस करते जाना है। स्टार्टिंग में आपको ये काफ़ी चैलेंजिंग लग सकता है, फिर भी आपको इसको करते जाना है और खुद से ही एक चैलेंज रख के आप इसको पूरा कीजिए। आप खुद से चैलेंज रखें कि मैं 10 बार बिना गिराए बैट के साइड से बॉल को टॉस करूँगा। जब तक आप उसे उस चैलेंज को हासिल नहीं कर लेते तब तक आप उसको उसे ट्राई करते जाना है और उसको करके ही दम लेना है। इसी प्रकार से आपको चैलेंज को बढ़ाते जाना है और इस प्रैक्टिस को करने के लिए आपको काफ़ी फोकस और कंसंट्रेशन की ज़रूरत होती है और क्रिकेट में फोकस और कंसंट्रेशन की काफ़ी ज़रूरत होती है। तो इस प्रैक्टिस को आप ज़रूर से ज़रूर घर में करें। दोस्तों, अब आता है हमारा तीसरा तरीका। तीसरा जो तरीका है ये भी दूसरे तरीके से रिलेटेड ही है लेकिन उससे भी ये थोड़ा और चैलेंजिंग होने वाला है और थोड़ा हार्ड होने वाला है। इसमें आपको करना ये है कि सबसे पहले आपको बैट के एक साइड से बॉल को टच करना है, उसके बाद आपको बैट के फेस के साथ टच करना है बिना गिराए बॉल को और उसके बाद बैट के दूसरे साइड से आपको बॉल को टच करना है, फिर से आपको फेस के साथ टच करना है और फिर से पहले साइड के साथ टॉस करना है। इस प्रैक्टिस को करने के लिए भी आपको काफ़ी फोकस और कंसंट्रेशन की ज़रूरत है और जैसे जैसे आप इसे करते जाओगे वैसे वैसे आपके कंसंट्रेशन और फोकस लेवल बढ़ता जाएगा और क्रिकेट में ये दोनों चीज़ें काफ़ी ज़रूरी है और ये दोनों को इम्प्रूव करने में आपके फोकस और कंसंट्रेशन को बढ़ाने के लिए ये दोनों प्रैक्टिस आपको काफ़ी हेल्प करेगा। दोस्तों, अब आता है हमारा चौथा तरीका। अभी तक मैंने आपको जो 3 तरीके बताया है उनसे ये थोड़ा अलग होने वाला है लेकिन इसमें आप काफ़ी एंजॉय करोगे और क्रिकेट एक ऐसा गेम है जिसमें आप जैसे जैसे एंजॉय करते जाते हो वैसे वैसे आपका गेम भी इम्प्रूव होता जाता है। तो इसमें आपको करना ये है कि एक टेनिस का बॉल ले लेना है और आपको टेनिस बॉल लेके अपने हेड और अपने फ्रंट शोल्डर में बॉल को फंसा लेना है और फंसा के उसको आगे की ओर गिराना है और बॉल जैसे ही दूसरा टप्पा खाता है वैसे ही आपको उसको बैट से खेल देना है। आप इसे ड्राइव कर सकते हैं, अपना ड्राइव को अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप इस प्रकार से अपने ड्राइव का प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप हर प्रकार के शॉट का इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप किसी एक पर्टिकुलर शॉट को परफेक्ट करना चाहते हैं, उसमें मास्टरी करना चाहते हैं तो आप इस प्रैक्टिस के जरिए अकेले ही उसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि स्ट्रेट ड्राइव में आप परफेक्ट करें, आप मास्टरी करें स्ट्रेट ड्राइव में, तो आप इसमें
स्ट्रेट रेज का प्रैक्टिस भी कर सकते हैं और आप इसमें फ्लिक शॉट वगैरह भी खेल सकते हैं। तो ये प्रैक्टिस काफ़ी फायदेमंद है, इसको आप जरूर से जरूर करें। अब आता है हमारा प्रैक्टिस नंबर 5। इसमें आपको टॉप हैंड से खेलना है। ये हमारा चौथा तरीके से लगभग एक जैसा है, लेकिन ये प्रैक्टिस खास ड्राइव के लिए है, क्योंकि आप जानते हैं कि क्रिकेट में जो ड्राइव वगैरह शॉट होते हैं उसमें आपका सिर्फ टॉप हैंड डोमिनेट करता है और बॉटम हैंड वहाँ पर सपोर्ट में रहता है। इसलिए आपको एक हाथ से ड्राइव करना है। इससे आपको जो आप जब ड्राइव करते हो तब गेंद कैच हो जाता है, ऊपर की ओर चला जाता है, उसको इम्प्रूव करने में काफ़ी मदद करेगा। तो आपको बॉटम हैंड से बॉल को फेंक देना है और जैसे ही बॉल दूसरे तरफ पकड़ता है वैसे ही आपको खेल देना है अपने टॉप हैंड के साथ। इसमें भी आप ड्राइव को इम्प्रूव कर सकते हैं। अपने टॉप हैंड के फोरआर्म्स में पावर बढ़ेगी, आपके शॉट भी जोर से जाने लगेंगे इसको करने के बाद। घर में बैटिंग प्रैक्टिस करने के लिए हमारा जो छठा तरीका है ये सबको पता होता है, लेकिन सब इसको अच्छे से नहीं करते, इसको परफेक्टली नहीं करते। तो आपको छठा प्रैक्टिस जो है इसमें आपको शैडो बैटिंग करना है, लेकिन शैडो बैटिंग आपको इस प्रकार से करना है कि आपको बॉल को इमेजिन करना है। आपको बॉलर के हाथ से बॉल आया, उसके बाद टप्पा खाया, उसके बाद आपके बैट में कनेक्ट हुआ, ये सब आपको माइंड में रखते हुए शैडो बैटिंग करना है। आप किसी भी शॉट का शैडो बैटिंग कर सकते हैं, लेकिन आपको बॉल को इमेजिन करके आपको शैडो बैटिंग करना है, तभी आपका गेम इम्प्रूव होगा, आपका बैटिंग इम्प्रूव होगा। तब आप जब बॉल को खेलोगे तब आपको इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा, तब आप बॉल को अच्छे से देख पाओगे। अब आता है हमारा सातवां प्रैक्टिस, ये भी हमारा शैडो बैटिंग ये है, लेकिन इसमें आपको दो बैट के साथ करना है। दो बैट के साथ करने से आपका बैट स्विंग इंप्रूव होगा, आपके फोरआर्म्स में पावर आएंगे, आप जब शॉट खेलते हैं क्रिकेट में तब बॉल और जोर से जाने लगेंगे। तो आप दो बैट से भी किसी भी प्रकार के शॉट का आप शैडो कर सकते हैं। अगर आपको अपना बैट बहुत भारी भारी फील होता है जब आप बैटिंग करते हो, आपका बैट स्विंग अच्छा नहीं हो पाता है, तो इसका सोल्यूशन भी यही है कि आप दो बैट से शैडो बैटिंग कर सकते हैं। आप दो बैट से ड्राइव कर सकते हैं, फुल शॉट का शैडो कर सकते हैं। दो बैट के साथ करने के बाद जब आप एक बैट के साथ खेलोगे तब आपको बहुत बैट हल्का हल्का लगेगा, आपका बैट स्विंग बहुत तेज हो जाएगा, आपका बैट स्पीड बढ़ेगा और आपके शॉट काफ़ी जोर से जाने लगेगा और आपको अपना बैट भी बहुत हल्का हल्का लगने लगेगा। घर में बैटिंग प्रैक्टिस करने का हमारा आखिरी और आठवां तरीका जो है वो है आपको दो स्टंप लगा लेना है कुछ इस प्रकार से, ताकि आपको बीच से वो बैट निकल पाए। इसी प्रकार से आपको दो स्टंप लगा लेना है और उसके बीच से आपको बैट को चलाना है। आपको ड्राइव कर सकते हैं, डिफेंस कर सकते हैं, आप बिल्कुल जो स्ट्रेट बैट स्ट्रोक होता है क्रिकेट में उसका आप शैडो कर सकते हैं दो स्टंप के बीच से। इससे आपका जो डाउन स्विंग है बैट का, बैट आपका बैकलिप से नीचे सीधा आना चाहिए, ये सब आपको काफ़ी इंप्रूव होगा। आप जब ड्राइव करते हैं आपका बैट स्विंग, आपका किसी किसी का ये होता है कि वो बैट का फेस तुरंत बार ब्लॉक कर देते हैं, जिससे उनका बॉल जा खेलना चाहते हैं उस डायरेक्शन में जा नहीं पाता। इसलिए आप जब दो स्टंप के बीच से बैट को चलाओगे, दो स्टंप के बीच से आप ड्राइव करोगे, कि आप बैट के फेस को तुरंत बार बंद नहीं कर पाओगे। अगर आप बैट के फेस को बंद कर देते हो तब आपके स्टंप में टकरा जाएगा बैट। तो अगर आपको टाइम मिलता है तो आप इसे भी अपने प्रैक्टिस में ऐड कर सकते हैं, जिससे आपका डाउन स्विंग इंप्रूव होगा, आपका बैट स्विंग भी इंप्रूव होगा और बैट के फेस को अगर आप बंद कर देते हो शॉट खेलने के बाद, बहुत सारे चीज भी आपका इस ड्रिल से इम्प्रूव हो जाएगा। तो मैंने आपको आज घर में बैटिंग प्रैक्टिस करने के लिए 8 ऐसे तरीके बता दिया, जिसके मदद से आप घर में अगर अकेले भी रहते हैं, अगर आपके पास कोई फ्रेंड नहीं है, तब भी आप इसे फॉलो करके अपने बैटिंग को इम्प्रूव कर सकते हैं और अपने बैटिंग को नेक्स्ट लेवल तक ले जाने में काफ़ी हेल्प करेगा ये 8 तरीका। तो आपको जब भी टाइम मिले आप जरूर से किसी भी जो भी तरीका आपको अच्छा लगता है उसको आप जरूर से फॉलो कीजिए अपने बैटिंग को इम्प्रूव करने के लिए। और आप मुझे कमेंट करके बताएं कि इन 8 तरीकों में से आपको कौन सा तरीका सबसे अच्छा लगा। तो दोस्तों, आने वाले दिनों में आप किस प्रकार से घर में अपना फील्डिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने फील्डिंग को इम्प्रूव किस प्रकार से कर सकते हैं, घर में आप अपने बॉलिंग प्रैक्टिस किस प्रकार से घर में जारी रख सकते हैं, अपने बॉलिंग को किस प्रकार से इम्प्रूव कर सकते हैं, इन सब के बारे में भी वीडियोस लाऊंगा। अगर आप ऐसे वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिए, ताकि ये सब वीडियोस आपको सबसे पहले मिल पाए। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे इंस्पायर्ड, इम्प्रूव योरसेल्फ एंड एंजॉय योर गेम।